यूपी की 80 लोकसभा सीटें जिस पर बीजेपी की पूरी नजर है। यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी ने जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी इस टारगेट को पूरा करने के लिए खूब मेहनत भी कर रही है, लेकिन पूर्वांचल की 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, और वो सीटें हैं आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर लोकसभा सीट। ऐसे में इस बार बीजेपी की नज़र पूर्वांचल में हारी हुई 5 सीटों पर है और बीजेपी यहां अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। हालांकि आजमगढ़ की सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। बीजेपी ने 2022 के उपचुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की थी। 2022 में अखिलेश यादव ने जब संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यहां से धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं लालगंज लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और इस सीट से बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली थी। लालगंज लोकसभा सीट पर 1989 से 2014 के बीच हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक बार ही इस सीट पर जीत मिली थी। अब बात आती है घोसी लोकसभा सीट की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी को हार मिली थी, जबकि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के हरि नारायण राजभर ने जीत हासिल की थी। गाजीपुर लोकसभा सीट से भी बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज सिन्हा 3 बार सांसद रहे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके हारने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। जौनपुर सीट पर भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। 1989 से 2014 के बीच बीजेपी ने यहां से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन 2019 में बीजेपी मात खा गई थी। यूपी में बीजेपी ने साल 2022 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी को फिर भी आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा सीटों पर हार झेलनी पड़ी और इसी तरह लालगंज लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर भी भाजपा हारी। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी को हार मिली थी, जबकि जौनपुर की 5 विधानसभा सीटों में महज 2 सीट ही बीजेपी के खाते में आई थी। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर मेहनत कर रही है, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मेहनत रंग लाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।